सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y22 फोन में कोलर स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपने कैसे अपना खुद का वीडियो लगाएं। हाँ, जो इसी के बारे में आप लोग बताने वाले हो, आप अपने कोलर स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपना खुद का वीडियोस को सेट कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके का, जैसे कि मैंने अपने फोन में सेट कर रखा है। आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारे कोलर स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके बैकग्राउंड पे हमारा फोटो रन कर रहा है। तो आप भी इस तरीके का अगर लगाना चाहते हो अपने वीवो के Y22 फोन में, तो आपको बताने वाला हूं कैसे आप लगा सकते हो एंड यहां पे आप अपने फोन में डायलर को चेंज कर सकते हो। जो कि इसके लिए आप अपना जो गूगल डायलर है एंड वीवो का डायलर, उसे हटाकर और इस डायलर को यूज कर सकते हो परमानेंटली के लिए। तो फाइनली इसी के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बताते हैं वीवो के Y22 फोन में आप कोलर स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपना खुद का वीडियोस को कैसे सेट कर पाओगे। स्क्रीन पे चल के आप लोग को बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि आप अपने कोलर स्क्रीन पे बैकग्राउंड जो होता है उस पर आप अपना खुद का वीडियोस को सेट कैसे करोगे। अगर आपके पास वीवो का Y22 फोन है, आप यूज कर रहे हो, जैसे कि Y22 फोन होता है तो आप यूज करते हो, तो उसमें आप लोग को मिल जाता है कोलर स्क्रीन, जो कि कोलर स्क्रीन के बैकग्राउंड पे अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस तरीके का फोटोज एंड वीडियोज को कैसे लगाओगे। यहां पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अपना खुद का वीडियोस को लगा रखा है। इस तरीके का अगर आप लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो यहां पे आप लोग को इसे लगाने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, फाइनली उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है मैं आप लोग को बताता हूं। प्ले स्टोर में आप लोग को आना है एंड प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहां पर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है यहां पर जो JOLT जोल्ट ऐप ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हो जोल्ट ऐप, तो यहाँ पे आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले से अपने फोन में इसे डाउनलोड करके एंड यूज कर रखा। तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को फिर से बताता हूँ कैसे आपको इसे इनेबल करना है। तो ये अनइंस्टॉल हो चुका है एंड मैं इसे डाउनलोड पर लगा दिया हूँ और ये मेरे फोन में डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो मैं अपने सेटअप का वीडियो लेकर आऊँ, और सेटअप का जो होता है कैसे मैं वीडियोस को शूट करता हूं, कैसे मैं कहां पे शूट करता हूं, सब कुछ के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसके लिए वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूंगा। तो फाइनली दोस्तों यहां पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है एंड डाउनलोड होने के बाद आप लोग को क्या करना, ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अलाउ पे क्लिक कर लेना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपके पास एक इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, इनेबल पे क्लिक करना एंड यहां पे आपको मिल जाएगा डायलर। तो आपको ये जो आपने डाउनलोड किया डायलर को जोल्ट वाला, तो इस पे आपको क्लिक करना एंड यहां पे आपको सेट डिफॉल्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आपका ये सेट हो जाएगा। यहां पे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहां पे स्टाइल का। तो यहां पे अगर आप चाहते हो ये वाला स्टाइल यहां मिल जाए, एक्सेस का, यहां पे आपको आईफोन का, तो आईफोन का बेटर मिल जाता तो आप आईफोन का लगा सकते हो। मैं तो यहां पे आईफोन का यूज करने वाला हूं। उसके बाद आपको यहां से बैग आ जाना है, यहां पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पे मिलेगा इमेज वगैरह, जो कि आप यहां पे अपना इमेज को लगा सकते हो। यहां पे देख सकते हो इमेज लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वीडियोस को लगाना चाहते हो अपने कोल स्क्रीन बैकग्राउंड पे, तो यहां पे आपको वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहां पे जहां जिस फाइल में आपने वीडियो रख रखा है वहां पे आपको स्क्रॉल करके जाना है नीचे एंड यहां पे मैंने रखा हूं, तो यहां पे आप लोग को लगा के दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके और आप लोग को चल के दिखाता हूं। तो दोस्तों ये वाला वीडियोस मैं अपने फोन में सेट करने वाला हूं, जैसे कि ये वाला वीडियो है, आप देख सकते हैं मेरे फोन में वीडियो सेट हो चुका है। यहां पे हमारे फोन में वीडियो सेट हो जाएगा, जैसे आप सेट पे क्लिक करोगे ये आपके फोन में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहां पर मिल जाता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहां पर आपका पूरे तरीके से सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नंबर को डायल कर लेना है,
और डायल करने के बाद आपको कॉल लगाना एंड यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी रिसीव कॉल आता है तो भी आपके पास इस तरीके का देखने को मिलेगा, रिंगटोन बजेगा। अगर आप कॉल लगाते हो तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो चलेगा, आपका रिंगटोन नहीं बजेगा। अगर आपके पास कोई उधर से फोन आता है तो आपका रिंगटोन भी सुनाई देगा। तो फाइनली दोस्तों बेटर है दोस्तों, इसको आप अपने फोन में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एंड अब आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे इस वाले डायलर को कैसे आपको यूज करना है। इस वाले डायलर के अंदर आपको फिर से फोटोज चेंज करना है, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन कॉल स्क्रीन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको फिर से चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, स्टाइलिश एंड बैकग्राउंड वगैरह। उसके बाद दोस्तों इस डायलर को यूज करना परमानेंटली तो आप यूज कर सकते हो, इसके सेटिंग वगैरह बेटर है दोस्तों, इसमें मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको थिम्स डार्क वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको लाइट का डार्क मिल जाता है, तो आप इसे परमानेंटली यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसी डायलर को अपने फोन में यूज कर रहा था, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस डायलर को आपको लाकर रख देना और उस डायलर को यहाँ से हटा देना है। तो दोस्तों इस डायलर को इस तरीके से आप अपने फोन में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने फोन में इसे यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप को समझ में आ गया होगा कैसे आपको Vivo के Y22 फोन में अपने कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपना खुद का फोटोस एंड कैसे खुद का वीडियोस को सेट करना है। फाइनली मैंने आप लोग को बता दिया। इस डायलर को यहां पे ओपन करते आपको यहां पे क्लिक करना एंड यहां पे आपको मिल जाएगा कॉल मैनेजमेंट का ऑप्शन। यहां पे आपको जब भी एसएमएस आएगा यहां पे इमोजीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी मैसेज करता है तो आपको इमोजीज देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसको यूज करते हो तो इसके अंदर आपको सेटिंग मिलते हैं, सेटिंग के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये दोस्तों आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं यूज कर पाओगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोग को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बता दिया हूं Vivo के Y22 फोन में आप कैसे कॉल स्क्रीन डायलर में आप अपने फोन के स्क्रीन बैकग्राउंड पे आप कैसे लगा सकते हो अपना खुद का वीडियो एंड खुद का फोटो। फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लेना एंड कमेंट में आप लोग बताना कैसी हमारी वीडियो। तो फाइनली दोस्तों कमेंट में अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मन करता है। तो फाइनली कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के लिए आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।